इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस डाटा एंट्री ऑपरेशन NIOS मेड बाय कथा। इनपुट डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यह कंप्यूटर का एक पार्ट है। हम जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, लाइट पेन। इन सभी इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर के अंदर कुछ इनपुट करते हैं। यह एक हार्डवेयर है जिसके जरिए हम कंप्यूटर के साथ जोड़कर उसे कंट्रोल करते हैं, जैसे माउस से अलग अलग आइकन को सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं और फाइल को बंद करते हैं। कीबोर्ड के जरिए हम इनपुट टेक्स्ट इनपुट करते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसका उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर में कमांड, टेक्स्ट, न्यूमेरिकल डाटा और दूसरे डाटा को एंटर करने के लिए किया जाता है। एक यूजर कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड और माउस का उपयोग करते हैं। कीबोर्ड इंटर डाटा को मशीन लैंग्वेज में बदल दिया जाता है जिससे कि CPU उस डाटा को और इंस्ट्रक्शन को समझ सके जो कि इनपुट डिवाइस से आ रहा है। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है। जब हम कुछ भी टाइप करते हैं तो वो कीबोर्ड उसको मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देता है और हमें वो चीज़ आउटपुट में मॉनिटर पे दिखाई देता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम्स को चुनने, उनकी तरफ जाने तथा उन्हें खोलने एवं बंद करने के लिए किया जाता है। माउस के उपयोग द्वारा यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है। इसके द्वारा एक यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। एक साधारण माउस में आमतौर पर 3 बटन होते हैं, पहला और दूसरा बटन। प्राइमरी बटन, लेफ्ट बटन, सेकेंडरी बटन, राइट बटन के नाम से जाने जाते हैं। इनको आम भाषा में राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक भी कहते हैं और तीसरे बटन को स्क्रॉल व्हील कहते हैं। आधुनिक माउस में तो अब 3 से ज़्यादा बटन आने लगे हैं जिनका अलग कार्य होता है। लाइट पिन, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो टेक्स्ट या डाटा को सेलेक्ट या मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। खास तौर पे इसका इस्तेमाल CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर पर डाटा हाइलाइटिंग के लिए किया जाता था। लाइट पिन का आविष्कार 1955 और 1960 के बीच में हुआ था। कुछ कंप्यूटर के ग्राफिक कार्ड में लाइट पिन को जोड़कर इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन आज के ज़माने में टच स्क्रीन का आविष्कार होने से लाइट पिन का इस्तेमाल यानी इसका उपयोग बहुत कम हो गया है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका मतलब है कि इससे हम इनपुट कर सकते हैं। अगर कोई भी हार्ड कॉपी की पिक्चर, फोटो, टेक्स्ट को हम कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्कैनर की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमें कंप्यूटर में से किसी भी डॉक्यूमेंट को यूज़ करना होता है तो हम उसकी हार्ड कॉपी या प्रिंट निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी की फ़ोटो को कंप्यूटर में सेव करना है तो आपको स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से हम कोई भी डॉक्यूमेंट को बिल्कुल सेम स्कैन करके सेव कर सकते हैं। जिस तरीके से हम प्रिंटर का इस्तेमाल प्रिंट निकालने के लिए करते हैं, जिससे हम ब्लैक एंड वाइट या फिर कलर प्रिंट निकालते हैं, उसी तरीके से हम स्कैनर की मदद से बहुत ही आसानी से ब्लैक एंड वाइट या कलरफुल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। टच स्क्रीन एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होता है जिसे एक यूजर अपने उंगलियों को स्क्रीन के ऊपर टच करके कंट्रोल कर सकता है, यानी कि अपने काम को कर सकता है। एक टच स्क्रीन यूजर को सिस्टम के साथ ज़्यादा डायरेक्ट रूप से जुड़ने का मौका देता है। किसी माउस के साथ तुलना में टच स्क्रीन का उपयोग अब कॉमन हो गया है।
पहले ट्रेडिशनल इनपुट डिवाइस के तौर पर कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड और माउस का उपयोग करते थे, वहीं पिछले कुछ वर्षों से इस टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज को डिजिटल डाटा में परिवर्तित करता है। बहुत से लोग माइक्रोफोन को माइक भी कहते हैं। माइक्रोफोन की मदद से आप कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को डाल सकते हैं। इसके मदद से आप कंप्यूटर में टाइप भी कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोफोन में एक डिवाइस लगा रहता है जो आपकी आवाज़ को पहचान कर टाइप करता है। लेकिन इसके लिए आपको माइक्रोफोन को अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोफोन को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए आपके कंप्यूटर में एक पोर्ट दिया होता है। माइक्रोफोन कंप्यूटर में सपोर्ट करे, इसके लिए आपके कंप्यूटर में साउंड कार्ड का लगा होना बहुत जरूरी है। ट्रैकबॉल कंप्यूटर हार्डवेयर का एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक तरह से कर्सर का कार्य करता है। यह एक प्लास्टिक के बक्से में एक बॉल की तरह दिखाई देने वाला डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आप अपने हाथों की उंगली या फिर अंगूठे से आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर लगा डिटेक्टर आपके द्वारा डाले गए निर्देश को पढ़ता है और उसी आधार पर काम करता है। माउस की तरह आपको ट्रैक बॉल को हिलाना नहीं पड़ता, बल्कि आपको सिर्फ उसके बॉल पर अपने हाथ की उंगली को फेरना पड़ता है। इसके साथ में बटन भी दिए होते हैं, जिनका इस्तेमाल आप लेफ्ट और राइट क्लिक के रूप में कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल लैपटॉप और नोटबुक में भी किया जाता है।